सर्दी की शदीद लहर ने स्कूलों को फिर से ताले लगवा दिए। बच्चे आज स्कूल गए, कल से फिर छुट्टियां। लाहौर समेत सूबे भर के स्कूल्स में छुट्टियां 12 जनवरी तक बढ़ा दी गईं। महकमे स्कूल एजुकेशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी तातीलात में इजाफा कर दिया। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के क्वालिटी टेस्ट मुलतवी, जनवरी से स्कूल दोबारा खुलेंगे। वजीर स्कूल एजुकेशन मुराद रास, वजीर तालीम ने इससे पहले छुट्टियां ना बढ़ाने का ऐलान किया था। छुट्टियों में इजाफे से बच्चों की तालीम का खर्च होता है। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। मैट्रिक के इम्तिहान सर पर हैं, छुट्टियों से इम्तिहान की तैयारी को फर्क पड़ेगा। मुतहिदा मुहाज असातिज़ा पंजाब भी नाखुश, स्कूल खोलने पर नोटिस जारी होगा। सीईओ एजुकेशन अथॉरिटी परवेज़ अख्तर ने साफ साफ बता दिया। शहर में कड़ाके की सर्दी, वक्फे वक्फे से जारी बारिश ने ठंड और बढ़ा दी। समनाबाद, शाहदरा, गुलशन रावी, गुलबर्ग, शादबाग, सब्जाजार में हल्की बारिश। एक मोरिया पुल, रेलवे स्टेशन, एबर्ट रोड, मॉल रोड और जेल रोड समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। निजाम जिंदगी मफलूज, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। मजीद बारिश होगी और ठंड भी बढ़ेगी, मौसम का हाल बताने वालों ने बता दिया। सर्दी के साथ सुई गैस की बंदिश का बवाल, शहर के कई इलाकों में गैस गायब, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। खवातीन के लिए एक वक्त का खाना पकाना भी मुहाल हो गया। सारफीन एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर, एलपीजी माफिया पैसे बटोरने में मसरूफ, कीमत 180 रुपए फी किलो तक बढ़ा दी। शहरी कहते हैं दिन को गैस दस्तयाब होती है ना ही रात को, बाजारी खाना खाने पर मजबूर हो गए हैं। सीएनजी सेक्टर के लिए बड़ी खुशखबरी, पंजाब में सीएनजी स्टेशंस की गैस बहाली का फैसला। रवां हफ्ते मंगल और जुम्मे के रोज सीएनजी स्टेशंस को गैस मिलेगी। सीएनजी स्टेशन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक गैस फराहम करेंगे। अगले हफ्ते के लिए गैस फराहमी के शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। शादियों का सीजन, ठंडे मौसम में सोने की कीमत को आग लग गई। सराफा मार्केट में सोने की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोना 2500 रुपए फी तोला महंगा हो गया। 24 ग्राम सोना 90,800 रुपए से बढ़कर 93,000 रुपए फी तोला हो गया। चांदी की कीमत 1,070 रुपए फी तोला मुकर्रर। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर भी 10 पैसे महंगा। पंजाब काबीना में तौसी का फैसला, सरदार सप्तैन खान कल दोबारा सूबाई वजीर का हलफ उठाएंगे। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर सप्तैन खान से हलफ लेंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुजार और दीगर वजरा तकरीब में शरीक होंगे। साबिक सूबाई वजीर सप्तैन खान ने नैब गिरफ्तारी पर काबीना से रजाकाराना इस्तीफा दिया था। वजीर आजम के भांजे शेरशाह के घर डकैती का मामला, 24 घंटे के अंदर मुलजिमान गिरफ्तार। सीआईए सिविल लाइंस पुलिस ने तीनों डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से जेवरात और पिस्तौल भी बरामद। सीसीपीओ जुल्फिकार हमीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तार डाकुओं को पेश किया गया। सीसीपीओ ने बताया कि कोट लखपत के इलाके में डकैती मजामत पर सिक्योरिटी गार्ड के कातिलों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नाइट पर हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल करने का मामला, जनूबी छावनी पुलिस की कार्रवाई। हवाई फायरिंग की वीडियो बनाकर वायरल करने वाले मुलजिम अली और काशिफ गिरफ्तार, पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। आवाम को सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम करना है, बर वक्त इंसाफ की फराहमी हमारी तरजीह है।
दुनिया में तब्दीलियों के बाइस फैसला करने का तरीका भी बदल जाता है, हमने मेरिट पर समझौता नहीं करना। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मामून रशीद शेख का पंजाब जुडिशियल अकेडमी में तरबियती कोर्स के शुरुआत से खिताब, कहते हैं मुकदमात को निपटाना नहीं बल्कि फैसले करने हैं। नैब केसेस की समाप्त करने वाला लाहौर हाईकोर्ट का बेंच तब्दील, जस्टिस तारिक अब्बासी और जस्टिस चौधरी मुश्ताक पर मुश्तमिल दो रुकनी नैब केसेस की समाप्त करेगा। लाहौर हाईकोर्ट का नया जजेस रोस्टर भी जारी, 13 डिवीजन 27 सिंगल बेंच केसेस की समाप्त करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मामून रशीद शेख ने मंजूरी दे दी, नए जजेस रोस्टर का इतलाक 9 जनवरी से 8 फरवरी तक होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सकाफत और तारीख से मुतालिक बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर समेत मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत। सियाहत इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, तारीख और कल्चर को महफूज करने वाली कौमें तरक्की करती हैं। कुछ कुव्वतें पाकिस्तान में सिखों और मुसलमानों को लड़ाने की साजिश कर रही हैं, चौधरी मोहम्मद सरवर का कॉन्फ्रेंस से खिताब। महकमे सेहत के कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमत करने वालों की सुनी गई, 350 मुलाजमीन को मुस्तकिली के लेटर मिल गए। महकमे सेहत प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्तकिल होने वालों में डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स, डिस्पेंसर, सेंट्री इंस्पेक्टर्स और CDC सुपरवाइजर शामिल। लाहौर में 9 जोन्स में 1796 बेनामी जायदादों का इंकशाफ, FBR ने बेनामी जायदादों का सुराग लगा लिया। बेनामी जायदादों की फहरिस्त लाहौर न्यूज़ को मौसूल हो गई। दातागंज बख्श जोन में 325, समनाबाद जोन में 469, रावी जोन में 151 बेनामी जायदादें हैं। अलामा इकबाल टाउन में 117, निश्तर टाउन 44, गुलबर्ग में 211 बेनामी जायदादों का इंकशाफ हुआ। तहकीकात मुकम्मल करने के बाद बेनामी जायदादों के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। शहर में तालीम का बड़ा नाम, GC यूनिवर्सिटी में गुड गवर्नेंस और शफाफियत को फरोग के लिए भी नैब पेश रहा। नैब लाहौर के डायरेक्टर जनरल शहजाद सलीम और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी की मुलाकात, बाहमी तावन पर तबादला ख्याल हुआ। DG नैब ने वाइस चांसलर के इकदाम को सराहा, यूनिवर्सिटी की तमाम इंटरनल तहकीकत में तावन का यकीन दिलाया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम पैदाइश के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी, पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम प्रेस क्लब में तकरीब, नवीद चौधरी, हाफिज गुलाम मोहियुद्दीन, चौधरी सजाद और ख़वातीन रहनुमाओं की शिरकत, सब ने मिलकर केक काटा। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुल्क के लिए खिदमात को सराहा गया, GA भुट्टो के नारे भी लगाए गए। शहर के आवारा कुत्तों को बचाने के लिए NGO वॉइस फॉर वॉइसलेस मुतहरिक हो गई, कुत्तों को मारने की मुहिम की मुखालफत कर दी। कुत्तों को मारना हल नहीं, मारने की बजाय वैक्सीन किया जाए, आयशा हैदर, सारा गंडापुर और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुहिम खत्म करने की सूरत में सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया। और शहर में ठंड है शदीद तो सर्दी की सौगातें भी हैं बेहतरीन, शहरियों का सब्ज चाय और समोसों की दुकानों का रुख, खाया पिया और जी भर कर लुत्फ अंदोज़ हुए।